मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 70 साल की बीमारियों से मुक्ति आसान नहीं, नोटबंदी पर भी दिया जवाब। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाक को दी चेतावनी, कहा भारत नहीं चाहता युद्ध, लेकिन गलत नजर डालने वालों की निकाल दी जाएंगी आंखें। नोटबंदी के बाद पीएम की पूर्वांचल में दूसरी रैली, कुशीनगर में आज मंच से मोदी मुलायम को दे सकते हैं जवाब। सीएम अखिलेश आज आगरा में चलाएंगे साइकिल, कई सरकारी योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नोटबंदी के मुद्दे पर सपा नेता अमर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के बाद पुल, कहा पुराने नोट बंद करना बेहद साहसी कदम, देश के प्रधानमंत्री होने पर है गर्व। एसवाईएल के मुद्दे पर 28 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बादल और खट्टर को बुलाया एक साथ, मामले पर अब होगा आमना सामना। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी को दी सौगात, कई राजकीय इंटर कॉलेज सहित परियोजनाओं का किया शिलान्यास। एक बार फिर बड़ा न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव, दोनों पक्षों ने लक्ष्मण रेखा लांघने के खिलाफ एक दूसरे को किया सचेत। आगरा में नोटबंदी की वजह से सड़ने की कगार पर पहुंचा 20,000 किलो आलू, कांग्रेस और आगरा आलू एसोसिएशन के महासचिव ने आलुओं से भरी जनता की झोलियां। कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 574 जिलों की मिट्टी से तैयार होगी भगवान कृष्ण की मूर्ति, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे शुभारंभ।